नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में माननीय सीपी सर ने पनवेल जोन में साइबर सेल की स्थापना की थी। ये साइबर सेल ने एक बहुत अच्छा ऐसा डिटेक्शन किया है, एक महिला जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का बहाना उनको दिखाकर उनसे 12 लाख रुपए हड़प किए गए थे, वो सिलसिले में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए इंदौर से एक पूरा कॉल सेंटर ही उद्ध्वस्त किया है। वहां से 8 लोग हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं और ये जो महिला के 12 लाख गए थे उसमें से 6 लाख रुपए अभी तक हम लोगों ने सीज किए। ये जो इंदौर की टीम थी एक वेबसाइट के द्वारा काम करती थी और इसके जैसे और भी कम से कम 25 वेबसाइट ये लोगों ने तैयार किए और 450 लोगों को ये वेबसाइट दिया है और वो वेबसाइट के जरिए से अभी भी वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। इस सिलसिले में और भी सारे गुनाह ये लोगों ने करने की माहिती सामने आई है, वो टेक्निकल डाटा हमारे पास है, उसका हम एनालिसिस करके और भी लोगों को संपर्क करके आगे की कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से हम लोग लोगों को आह्वान करने चाहते हैं कि कुछ भी शेयर मार्केट या और कुछ जरिए से अगर आपसे कोई भी ऑनलाइन आधार कार्ड पैन कार्ड का माहिती मांगते होंगे, शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करते होंगे, तो ऐसा करना आपके लिए खतरनाक होगा। और ओटीपी भी, जैसे बैंक और पुलिस हमेशा बोलती है, अपना ओटीपी भी किसी को भी देना गलत हो सकता है, उसके जरिए आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है। जो कॉल सेंटर था वहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है, टेक्निकल डाटा भी मिला है, उसमें से ये लोगों ने और भी लोगों के साथ ऐसा धोखेबाजी की है, ये माहिती सामने आ रही है और उसका एनालिसिस करके हम वो लोगों को संपर्क करके आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी तक 8 लोग अरेस्ट किए हैं, तकरीबन 14 से 15 लोग होने की संभावना है और बाकी के भी लोगों की इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हम आगे उनके ऊपर भी कार्रवाई करने वाले। टोटल मुद्दे माल में आप देख सकते हैं कम से कम 50 तक मोबाइल उनके पास थे, कुछ चेकबुक थे, आधार का ये जो एटीएम कार्ड है वो थे, उनके लैपटॉप, बहुत सारी और डाटा जो है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब डाटा हम लोगों ने जब्त किया है और उसका एनालिसिस चालू है।